उम्र बढ़ने के साथ और समय के साथ इंसान हो या जानवर अपना आशियाना बदलता है। हर किसी को कभी ना कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे ही एक पक्षी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम बर्नेकल गूस है। इस प्रजाति के पक्षी के बच्चों को दुनिया के सबसे साहसी पक्षियों के बच्चों के रूप में जाना जाता है। इनके पेरेंट्स काफी निर्दयी और कठोर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बर्नेकल गूस जब अंडे देते हैं तो वे समुद्र के किनारों पर मौजूद ऊंची चोटियों को ढूंढते हैं जहाँ इनके अंडों या फिर इनके चूजों को जानवरों और पक्षियों से बचाया जा सके। समय बीतने के साथ ही जब अंडे यानी कि ये चूजे बाहर आते हैं, फिर ऐसा वक्त आता है जब माँ बाप को एक कठोर कदम उठाना पड़ता है, यानी कि उस पहाड़ की चोटी और घोंसलों से बाहर निकालना होता है। लेकिन इस वक्त तक उन चूजों को उड़ना तक नहीं आता और ना ही इनके पंख निकले होते हैं। लेकिन शायद ही वो समय होता है जब प्रकृति इन चूजों का इम्तिहान लेती है। सबसे पहले माँ बाप पहाड़ की चोटी से जंप लगाते हैं और उन्हीं के पीछे ये चूजे अपने नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ते हैं। कुछ देर तक नीचे देखने के बाद एक एक करके चूजे कूदने लगते हैं। ये वाकई में काफी डराने वाला वाकया होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई से कूदते वक्त शायद ही किसी जीव जंतु को आपने देखा होगा। इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद नीचे जमीन पर पहुंचने से पहले कई बार ये पत्थरों और चट्टानों से टकराते हैं। ऐसे में पांच में से एक या दो चूजे दम तोड़ देते हैं और बाकी के चूजे जीवन का सबसे मुश्किल इम्तिहान पास कर लेते हैं और अपने माता पिता के साथ समुद्र पर सैर को निकल जाते हैं। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि बचे हुए चूजों को कोई खतरा नहीं होता। नीचे पहुंचने के बाद रोज इन्हें जिंदगी और मौत का सामना करना पड़ता है। कई बार जंगली जानवरों से यानी कि जैसे कि सियार या फिर पोलर बियर से इन्हें बचना पड़ता है क्योंकि वे अपना पेट भरने के लिए इनके इलाकों में चले आते हैं और कई बार तो शिकारी पक्षी इन चूजों को लेकर उड़ जाते हैं। जब ये चूजे कूदते हैं तो उस वक्त इनके माँ बाप चूजों के लिए कई आवाजें निकालते हैं और इन आवाजों को सुनकर कई जानवर और शिकारी पक्षी इनकी तरफ आने लगते हैं। दोस्तों, ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि छोटे चूजों का शुरुआती जीवन कितना संघर्ष वाला होता है, जहाँ बाकी पक्षियों के बच्चे अपनी पहली उड़ान से पहले घोंसलों में ही रहते हैं, वहीं बर्नेकल गूस के ये बच्चे अपनी पहली उड़ान बिना पंखों से चट्टानों पर कूद कर करते हैं और ऐसे में ये काम वे बिना डरे करते हैं। आखिर ये बच्चे यानी कि बर्नेकल गूस के बच्चे ऐसा कैसा कर पाते हैं? दरअसल बर्नेकल गूस के बच्चों का आकार काफी छोटा और हल्का होता है, साथ ही इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लपी होती है, जिसके बाद ये चट्टानों से टकराने के बाद भी जिंदा बच जाते हैं। ये तभी मरते हैं जब ये किसी चट्टान की नुकीले हिस्से या फिर इनका सिर किसी चट्टान के हिस्से पर टकरा जाता है या फिर कोई चूजा किसी चट्टान की दरार में फंस जाता हो। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिर हम लोगों को कैसे पता चला कि ये पक्षी इस तरीके से जीवन की शुरुआत करते हैं। इस पक्षी के बारे में सबसे पहला पता लगाने वाले जीव वैज्ञानिक का नाम मिस्टर कोबोट है, जिन्होंने 1985 में अपने कैमरे में इनकी पहली तस्वीर को कैद किया था। मुख्य तौर पर ये पक्षी ग्रीनलैंड, हर्बिडीज, वेस्टर्न स्कॉटलैंड और आयरलैंड में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इन बहादुर चूजों के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अगला टॉपिक किस जानवर पर बनना चाहिए, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।